नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, बिहार सरकार की ओर से एक लेटर जारी किया गया है प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय द्वारा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बांका से जुड़ा हुआ है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रन्नी सैदपुर, सीतामढ़ी, रानीगंज, अररिया, इन सभी जो है जनपदों से खबर है। विषय है श्रीमती प्रतिमा सिंह जो है सेवानिवृत्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बांका के जो है बकाया वेतन आदि के संबंध में ये सूचना है। देखिए, इस पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रतिमा सिंह जो सेवानिवृत्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बांका, इनका वेतन बकाया रहने के कारण उच्च न्यायालय पटना में जो है एक बात दायर किया गया था। इस जो है CWJC में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में श्रीमती सिंह के बकाया वेतन आदि संबंधित प्रतिवेदन की मांग विभाग द्वारा की जा रही है, परंतु जो है आपके द्वारा यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रंडी सहित को सीतामढ़ी, रानीगंज, अररिया द्वारा जो है अब तक संबंधित जो है प्रतिवेदन से विभाग एवं निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया, जिस पर जो है नाराजगी प्रकट की गई है। साथ ही CWJC में जो है पारित न्यायाधीश में जो है विलम्ब होने पर अमाननावाद की स्थिति हो सकती है, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय ने स्पष्ट तौर पर जो है चेतावनी जारी कर दी है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा जो है मांग की जा रही प्रतिवेदन को पत्र निर्गत करने की जो तिथि 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि श्रीमती सिंह का बकाया वेतन आदि किसके स्तर से एवं क्यों लंबित रखा गया, जबकि श्रीमती सिंह स्वयं निकासी एवं व्ययन जो है पदाधिकारी रही हैं। तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 4 जनपदों के हैं, तो इनको जो है यह आदेश जारी कर दिया गया है। खैर, लगातार बने रही खबरों को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।